हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रुना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं उन फोटोग्राफ्स के बारे में जो आपके सामने हाल ही में आए हैं और उसी का कुछ रिसर्च कर रही थी। कुछ एक चीजें इन्फॉर्मेशन के तौर पे सामने आई हैं, कुछ एक कंफर्मेशन होना अभी बाकी है और कुछ एक मेरी रिसर्च का पार्ट है। तो ये तीनों चीजें मिलाकर इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने हाल ही में देखा होगा कि अजय भसन स्टूडियो जो कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बसा है और ये जो है सुरेश वाडकर जी का स्टूडियो इस नाम से फेमस है और यहाँ पर पवन और अरुणिता ने कुछ गाने का रिकॉर्डिंग किया है और ये जो गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो अवधूत गुप्ता हैं, जो कि जाने माने मराठी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। रियलिटी शोज में भी बहुत बड़े तौर पर से दिखाई दिए हैं। इनके कुछ एक हिंदी सॉन्ग्स भी जब आए थे तब बहुत धूम मचाई थी उन गानों ने भी। सो ही इज अ वेरी वेल नोन फेस और साथ ही में ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म से रिलेटेड गाना है। ये गाना हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि ये जो गाना है ये गाना गवाया गया है पवन और अरुणिता से, उसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। जो म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं अवधूत गुप्ते जी, ही इज डैम हैप्पी। और साथ ही में एक और उस पिक्चर में एक शख्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आप पहले भी देख चुके हैं। इनका नाम है जो राजन। जो राजन वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले जैसे इंडियन आइडल खत्म हुआ था वैसे ही एक मराठी फिल्म के लिए, यानी कि कोल्हापुर डायरीज नाम की उनकी जो फिल्म आ रही है उनके निर्देशन में बन रही है, उसके लिए सायली कांबले को मराठी गाना गवाया था। उसके बाद फिर बाबुल नाम का गाना आपको याद होगा जो कि अरुणिता का एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड वेरी मेलोडियस सॉन्ग उसमें से रहा है। तो ये जो राजन है इस गाने को उन्होंने निर्देशित किया था, मतलब जो वीडियो चल रहा था उनका निर्देशन में किया गया था और उस समय भी उन्हें अरुणिता की आवाज बहुत अच्छी लगी थी। बिहाइंड द कैमरा जो मेरी बात हो रही थी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों से, मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि उन्होंने ये बात चल रही थी कि अरुणिता को बहुत पसंद किया है क्योंकि इसमें पवनदीप का भी अपना अरेंजमेंट रहा है, म्यूजिक अरेंजमेंट उसका रहा है। सो पवन और अरुणिता को जो राजन ने बहुत पसंद किया है। अब उसी का अगला पड़ाव आया है जहां पर जो राजन ने पवनदीप और अरुणिता से एक गाना गवाया है। ओके, जहां तक मुझे याद है कोल्हापुर डायरीज जो कि एक मलयाली फिल्म पर आधारित है, इसका हिंदी वर्जन भी आना था और हिंदी वर्जन के लिए पवन और अरुणिता को पसंद किया गया है ऐसा निर्देशक की तरफ से उड़ती उड़ती खबरें मेरे सामने पहुंची थी। तो मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि ये कोल्हापुर डायरीज का हिंदी वर्जन है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबली कोल्हापुर डायरीज का हिंदी वर्जन जो बन रहा है उसमें पवन और अरुणिता को मौका दिया गया है। और इसके जो निर्देशक है वो तो जो राजन है, लेकिन जो निर्माता है वो है वजीर सिंह। वजीर सिंह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। कोल्हापुर डायरीज की बात कर रही हूँ, भुज जैसी फिल्मों में रहे हैं, वो खुद जर्नलिस्ट भी रहे हैं वजीर सिंह और अच्छा खासा नाम है उनका। तो अगर ये कोल्हापुर डायरीज का ही हिंदी वर्जन है तो आप समझ सकते हैं कि मौका तो बड़ा सही मिला है। अब ऐसे में पवन और अरुणिता दोनों को आपकी दुआओं की और आपके बेस्ट ऑफ लक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। खूब सारे आशीर्वाद दीजिए इन दोनों को। चलिए, पूरी इंफॉर्मेशन का मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं भी क्रॉस चेक कर रही हूँ कौन सी फिल्म है, कैसी फिल्म है। और ये जो मैं सोच रही थी कि ये कोल्हापुर डायरीज का ही हिंदी वर्जन है, कहीं मैं गलत नहीं सोच रही थी, कहीं किसी और फिल्म के लिए तो नहीं होगा। जो भी होगा इसी बात पे बल्ले बल्ले कीजिए कि फिल्म के लिए होगा। तो पूरी खबर का आप भी वेट कीजिए, मैं भी और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती रहूंगी, लेकिन तब तक खूब सारी दुआएं दीजिए पवन और अरुणिता को क्योंकि भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। एनीवेज, पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।